हेलो दोस्तों, नमस्कार। बबीता पावर रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं स्प्रिंग ओनियन पराठे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी होते हैं। सर्दियों के मौसम में स्प्रिंग ओनियन बहुत सारे मिलते हैं और देखिए कितने बढ़िया अच्छे से सॉफ्ट पराठे बने हुए हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिक्सर जार ले लिया है। ये मैंने हाफ कप के करीब स्प्रिंग ऑनियन कट करके लिए, बारीक कटे हुए, और ये मोटे मोटे से कट किए, इसे हम पीस लेंगे। तो चलिए इसे मिक्सर जार में डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने 8-10 कलियाँ लहसुन की ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, तो इसे कट करके ले लेना है इस तरह से। और यहाँ आप 1 टेबल स्पून जीरा लिया है। तो चलिए ढक्कन लगाकर इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो यहाँ पर पेस्ट मैंने बना लिया है, स्मूथ सा पेस्ट इसी तरह का बनाना है। तो यहाँ हम 1 कप घेहूँ का आटा लेंगे, इसमें बारीक कटे हुए स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे और 1/2 टेबल स्पून यहाँ अजवाइन डालेंगे। अजवाइन का फ्लेवर पराठों में बहुत ही अच्छा आता है। 1/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, या स्वाद अनुसार नमक लेना है यहाँ पर। और जो हमने ये पेस्ट तैयार किया है इसे भी डाल देंगे, ये देखिए। तो इसमें ऑनियन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और कलर भी आ जाता है आटे में। तो चलिए पहले तो हम ये जो हमने पेस्ट बनाया था इसी में आटा तैयार करेंगे और मिक्सर जार में ही थोड़ा पानी डालकर इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और एक अच्छा सा आटा लगाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा टाइट आटा लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। ऑयल लेंगे थोड़ा सा हाथ में और इसे मसल कर चिकना कर लेंगे थोड़ा सा। आटे को सेट होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर। तो चलिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए इसे मसल कर थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं और इसके पेड़े तोड़ लेते हैं। पेड़े आप अपने हिसाब से तोड़े, छोटे या बड़े कर सकते हैं। तो यहाँ सारे ही पेड़े हमने तोड़ लिए हैं। तो चकला बेलन लेंगे और इसे हम सूखे आटे में इस तरह से कोट करके बेल लेंगे पराठे। पराठे आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, लेकिन पराठे बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनाए जाते हैं। तो चलिए इसे बेल लेते हैं। पराठा हमने बना लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने तवा गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था गैस पर, फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। तो चलिए डाल लेते हैं तवे पर इसे, ये देखिए। और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें पराठे को सेकना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। तो पलट देते हैं और ऊपर से इसे घी लगा देंगे। घी या बटर आप चाहे जो लगाएं, या फिर ऑयल से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं घी से बना रही हूँ। तो चलिए इसे भी हम पलट देते हैं, ये देखिए। दूसरे साइड से भी अच्छे से घी लगा देते हैं, ये देखिए इस तरह से। और पलट पलट कर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है, बढ़िया अच्छा सा कलर आ जाए, ये देखिए। दोनों साइड से लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें सेकना है ताकि पराठे हमारे अच्छे से सिक जाए, कहीं से कच्चे ना रहे, ये देखिए इस तरह से। तो हमने अच्छी तरह से पराठे को सेक लिया है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और बाकी के भी पराठे इसी तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पराठा भी हमने डाल लिया है और सेम प्रोसेस से इसे भी इसी तरह से सेक लेंगे अच्छी तरह से पलट पलट कर। तो चलिए इसमें भी घी लगा लेते हैं, ये देखिए। सर्दी के मौसम में खूब सारे हरे प्याज आते हैं, इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे बनते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया अच्छे से लग रहे हैं। तो चलिए दूसरे साइड से भी घी लगा लेते हैं और इसे भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से दोनों साइड से पलट पलट कर सेक लेंगे। ध्यान रहे कि लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पराठों को सेके। तो चलिए इसे भी मैंने अच्छी तरह से सेक लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। तो इसे भी हम प्लेट पर निकाल लेते हैं और बाकी के सारे पराठे भी हम यहाँ पर सेम प्रोसेस से बना लेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर सारे ही पराठे मैंने बना लिए हैं और प्लेटिंग भी कर ली है और देखिए कितने बढ़िया अच्छे हरे भरे से पराठे बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। इसे आप चटनी के साथ, सॉस के साथ या फिर दही के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है। और ये देखिए कितने बढ़िया अच्छे से सॉफ्ट पराठे बनकर हमारे रेडी हुए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं और यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।